हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पढ़ने के लिए हमारे पास तुम जब डेमोंस्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? हुदैबिया पेपर्स मिल्स दोबारा खुल रहा है, शरीफ खानदान के लिए बड़ा धचका है। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ के एहतसाब की बारी है, पूरा का पूरा खानदान कानून की गिरफ्त में आ गया। एमक्यूएम पाकिस्तान बका की जंग लड़ रही है, शनाख्त बचाने के लिए पीएसपी ही नहीं गैर फितरी इत्तेहाद कराने वाली नादीदा कुव्वतों को भी कड़ा जवाब दिया है। आज पीएसपी के अंदर तूफान से पहले की खामोशी है, कल पाक सरजमीन का आतिशबाजी फटेगा, एमक्यूएम पाकिस्तान खबरदार रहे। और सऊदी शाही खानदान में इक्तदार की जंग उरूज पर है, वली अहद की इस्लाहात पर उठने वाली आवाजें खामोश कराई जा रही हैं। इंकलाब कहें या बगावत, हकीकी अरब स्प्रिंग साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। पनामा केस में अदालतों के चक्कर काटने वाले शरीफ खानदान की मुश्किलात मजीद बढ़ी हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बाद अब एहतसाब का जो घेरा है वो शहबाज शरीफ के खिलाफ तंग हो रहा है। शहबाज शरीफ जो इस सारी सूरत हाल में मंजर आम से गायब नजर आ रहे थे, अब उनके मंजर आम पर आने की बारी आई है। पूरे का पूरा जो शरीफ खानदान है अब कानून की जद में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस दोबारा खोलने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में तीन रुकनी बेंच पीर को इस दरख्वास्त की समाअत करेगा और रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल को इस सिलसिले में नोटिस भी जारी कर दिया है। हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस अक्टूबर 1999 में फौजी बगावत के बाद उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने नवाज शरीफ के खानदान के खिलाफ करप्शन के तीन रेफरेंसेस दायर किए थे, जिनमें से एक ये हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस भी था। लेकिन सन 2000 में लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और अपने फैसले में हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस में नैब की तहकीकात को कलदम करार दिया गया, जिसके बाद एहतसाब अदालत ने इस रेफरेंस को खारिज कर दिया। लेकिन जब पनामा केस में जीआईटी की तहकीकात हुई और हुदैबिया केस से मुतालिक मजीद मटीरियल सामने आया था, तो नैब ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस को दोबारा खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। नैब ने दरख्वास्त में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ख़ानदान के जो दीगर अफराद हैं उनको फरीक बनाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर ना करने पर साबिक चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी पर बरहमी का इजहार भी किया था। उनसे सुप्रीम कोर्ट नाराज़ भी हुई थी क्योंकि जो अपील का वक्त था वो निकाल दिया गया और अपील दायर नहीं की गई थी उस वक्त। अगर चेयरमैन नैब हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील में सुप्रीम कोर्ट आते तो अदालत उज़्मा दोबारा तफ्तीश करने का हुक्म दे देती। बहरहाल कई साल गुजर गए और उसके बाद अब नैब का मौक़िफ़ है कि इंसाफ के जो तकाजे हैं उसके पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए और हुदैबिया केस की असर नौ तहकीकात कराई जाएँ। अब यहाँ अहम यह है कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का एतराफ़ी बयान, जिसमें इसहाक डार ने 1,40,00,000 डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया था, लेकिन इसहाक डार के वकील शाहिद हामिद ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनके मौक़िल से जो एतराफ़ी बयान लिया गया वो ज़बरदस्ती था, उन्हें वादा माफ गवाह बनाने का और फिर यह एतराफ़ी बयान लेकर दस्तखत करवाए गए थे। तो हुदैबिया पेपर मिल्स केस साबिक वज़ीर आज़म के अहले खाना के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के जो इल्ज़ामात हैं, अब कानूनी तौर पर इस केस की अहमियत क्या है और ये शरीफ ख़ानदान के लिए मज़ीद कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपका। हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस का खुलना शरीफ ख़ानदान के लिए एक यकीनन बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पहले ही मुश्किलात में घिरे हुए हैं वो और नून लीग की बड़ी कोशिश थी कि ये केस किसी भी तरह ना खुले, लेकिन अब खुल रहा है। कितना डैमेजिंग साबित हो सकता है ये केस शरीफ ख़ानदान के लिए? ये हुदैबिया जो पेपर मिल्स है केस है वो असल में तो इसहाक डार के से शुरू हुआ था और इसहाक डार ने बहुत सी स्टेटमेंट्स वहाँ दी हैं जिससे ज़ाहिर ये होता है
कि उनको पूरी नॉलेज थी कि किस तरह से शरीफ ख़ानदान ने पैसे बाहर भिजवाए, और वो एक्चुअली अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा वो, और उस वो काफ़ी डैमेजिंग है शरीफ फैमिली के लिए। उसमें ख़ास तौर से ज़्यादा डैमेज तो शहबाज शरीफ को होगा उससे। और ये केस जब लाहौर हाई कोर्ट में आया, तो जब अपेरेंट बेंच की तरफ पहुंचा जो लाहौर हाई कोर्ट की, तो उस वक्त उन्होंने उसको रोक दिया उसके फर्दर प्रोसीडिंग, और उसमें उन्होंने कहा कि इसकी आगे कोई प्रोसीडिंग की ज़रूरत नहीं है, उसको वहाँ स्टॉप कर दिया। ये इस स्टेज पे था ये केस जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन फाइल हुई 1843 के तहत नवाज शरीफ के खिलाफ और उनके बच्चों के खिलाफ और इसहाक डार के खिलाफ। ठीक। तो उस सामने आई सुप्रीम कोर्ट के कि इस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया था, तो और उस पर नैब ने कोई अपील नहीं फाइल की थी, हालांकि उनका हक था कि उसके खिलाफ अपील फाइल करते। तो अब वो मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि अब अपील फाइल करने का टाइम गुजर गया था, तो इस वजह से अपील तो फाइल हो नहीं सकती थी। तो इस वास्ते सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल परमिशन दी कि अपील फाइल की जाए, तो इस वजह से फिर नैब ने उसके खिलाफ अपील फाइल की। लेकिन उसमें जो चीज़ समझने की बात है वो ये कि इसहाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि जो स्टेटमेंट उन्होंने उस केस में दी थी वो सब जो थी अंडर प्रेशर दी थी, और वो चूँकि उन पर दबाव डाला जा रहा था, और वो इस वजह से वो उसके बाउंड नहीं है जो कुछ ठीक है। जस्टिस साहब, एक तरफ तो इसहाक डार साहब का मामला है, लेकिन वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ये मामला कितनी बड़ी मुसीबत खड़ा है, क्योंकि अगर अदालत उनको बुलाती है तो फिर क्या होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने तो प्रोसीडिंग रोकी थी, लेकिन अब मामला तो सुप्रीम कोर्ट का है। आप समझते हैं कि केस की तहकीकात जिस तरह से आगे बढ़ रही है, नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ को भी बुलाया जाता है, उनके नाअहल होने के भी इम्कान कुछ नज़र आते हैं? नहीं, देखिए ये इसमें तो नाअहल नहीं करा दिया जा सकता, क्योंकि ये प्रोसीडिंग्स बिल्कुल मुख्तलिफ टाइप की हैं। लेकिन ये इस केस में यकीनन शहबाज शरीफ उसमें शामिल हैं, क्योंकि अभी तक शहबाज शरीफ का नाम जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हुई थी उसमें कहीं नहीं आया। लेकिन ये वो एक केस है जिसमें कि उनका नाम शामिल है, और अगर इसमें अपील फाइल होती है और कोई फैसला हो जाता है जो कि इनके ख़िलाफ़ है, तो उस सूरत में शहबाज शरीफ भी इसमें इम्प्लिकेट हो जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह केसेस में। तो अब उसके बाद अगर कोई दूसरी प्रोसीडिंग शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में या कहीं और उनको नाहल करने के लिए, तो उसके बाद जो उसका नतीजा निकलेगा उसका अभी पता नहीं कर हम नहीं कह सकते। लेकिन इसकी जो लीगल इम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हैं सबसे पहले तो ये कि प्रोसीडिंग्स किस तरह से होंगी हुदैबिया पेपर मिल्स में जिन के नाम शामिल हैं वो तमाम लोग, कुछ लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी हैं कुछ लोग, तो उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह से होगी और किस तरह से प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाने के लिए जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं लेकिन वो बाहर हैं उनको नोटिस जारी किए जाएंगे? सॉरी, जो लाहौर हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हैं वो तो सिविल नेचर की प्रोसीडिंग्स हैं, और उसमें अगर कोई बाहर के लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो अगर तो ये अपील एक्सेप्ट हो जाती है, नैब की अपील एक्सेप्ट हो जाती है और वो कार्रवाई दोबारा शुरू होती है, तो यकीनन उन बाकी जो लोग बाहर हैं उनको भी नोटिसेस जाएंगी और उनको बुलाया जाएगा, और अगर वो बाद में पता चलता है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं और वो अगर वो पाकिस्तानी नेशनल भी हैं बाहर के नेशनल होने के बजाय के अलावा, तो उस सूरत में पाकिस्तान में उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो सकती है जिस तरह हुसैन नवाज, हसन नवाज के सामने। लेकिन इसहाक डार साहब भी बाहर हैं, तो एतराफ़ी बयान तो उनका यह है कि शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है, फिर बाद में उन्होंने अपना बयान भी बदला कि एहतसाब अदालतों में वो पेश नहीं हो रहे हैं, तबीयत उनकी ख़राब है। अब इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद अब केस में अगर उनको बुलाया जाता है और वो पेश नहीं होते तो फिर क्या? लाहौर हाई कोर्ट की प्रॉब्लम है, उसमें इसहाक डार साहब अगर ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो एक सिविल नेचर की प्रोसीडिंग्स हैं और वो उनकी गैर मौजूदगी में भी जारी रह सकती हैं, उनके वकील अपीयर हो सकते हैं और वो उसमें आर्ग्यू कर सकते हैं, और वो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के बाद उसमें अपील भी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसमें तो उनकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, या वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने पेश हो रहे हैं
लेकिन इसके अलावा जो अदालतों के की जानिब से इख्तियार किए जाने वाले तर्ज अमल हैं, फिर फैसलों की गहराई में अगर हम जाएं और देखें, आपको लगता है नवाज शरीफ साहब जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, नून लीग की जानिब से जिस किस्म की जबान इस्तेमाल हो रही है उसकी वजह से किसी किस्म का अगर रिलीफ मिलता तो वो नहीं मिलेगा, फैसलों पर असरअंदाज होंगे ये रवैये जो इख्तियार किए जा रहे हैं नून लीग की जानिब से? देखिए, अदालत से जो रिलीफ मिलना है उनको अब तो वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फैसले पे डिपेंड करता है। जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी तो उसमें एविडेंस आ जाएगी, सब चीज़ें एविडेंस लेके आ जाएंगे, और अगर तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में वो गिल्टी हो गए, फाइनल रिजल्ट गिल्टी का आया, तो उस सूरत में उनको यकीनन सज़ा मिलेगी जी। अब वो सज़ा भी जो है अगर तो इसी दौरान मिलती है जब तक के ममनून साहब प्रेसिडेंट हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो माफ़ भी कर सकते हैं, वो सज़ा माफ़ भी हो सकती है। लेकिन अब तो उनकी बहरहाल उनकी कोई बचत नहीं है, उनकी बचत सिर्फ उस सूरत में है अगर वो ये दिखा सकें कि जो जिन पैसों से वो फ्लैट खरीदे गए हैं वो पैसे सही तरीके से पाकिस्तान से बाहर भेजे गए थे या बाहर से किसी ने पैसे उनको दिए थे, अगर वो दिखा सकते हैं तो उस सूरत में शायद उनकी बचत हो जाए, वरना तो मेरे ख्याल में उनकी बचत मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे कानून साबिक जस्टिस शायख उस्मानी साहब हमारे हमराह थे। हुदैबिया पेपर मिल्स केस का ये खुलना शरीफ ख़ानदान के लिए मुश्किलात बढ़ा रहा है और एक बहुत बड़ा धचका भी ये साबित हो सकता है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम स्टोरीज़ हैं, खासतौर पर MQM जो पिछले दो दिन से मीडिया पर भी और कराची में भी छाई हुई है, उस पर बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ आर विद नाजिया। वेलकम बैक। गुज़िश्ता दो रोज़ से MQM पाकिस्तान और PSP ने कराची और फिर पूरे ही मीडिया को मुकम्मल तौर पर अपने शहर में जकड़ा हुआ है। पहला सियासी धमाका फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर सियासी इत्तेहाद, इंजमाम और एक नए नाम से इंतखाब लड़ने का ऐलान हुआ। और फिर सिर्फ 24 घंटे गुजरे ये गैर फितरी इत्तेहाद बिखर गया। MQM पाकिस्तान ने MQM को दफन ना होने दिया और फारूक सत्तार साहब अपने साथियों से नाराज़ हुए। और उसके बाद फिर दूसरा बड़ा सियासी धमाका फारूक सत्तार की तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को आड़े हाथों लिया, इत्तेहाद ख़त्म किया और उन कुव्वतों को वाज़े पैगाम दिया जो MQM का नाम मिटाना चाहती हैं। उसके बाद उन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया, लेकिन कुछ देर के बाद ही उनकी वापसी भी हो गई। तो MQM पाकिस्तान के सरबरा फारूक सत्तार नए अज़्म के साथ पार्टी को नई शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम, मसाइल और मुश्किल पार्टी का साय की तरह पीछा कर रही हैं। मुकदमात हैं, लापता कारकुन हैं, बल्दियाती नुमाइंदों को उनके जो इख्तियारात हैं वो नहीं मिल रहे। शहर के मसाइल पर इस बार भी यही कहा जा रहा है कि मैंडेट मिल गया लेकिन वसाइल नहीं मिल रहे हैं। फिर सिंध हुकूमत का अदम ताबुन है और सियासी आज़ादी। तो MQM पाकिस्तान के कई रहनुमा और कारकुन पार्टी छोड़कर PSP में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। दबाव डाला जा रहा है और पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की जो वफादारियाँ हैं उनको तब्दील कराया जा रहा है। और फिर इत्तेहाद के लिए भी दबाव है, और शायद यही दबाव था जिसने MQM पाकिस्तान को बौखला कर रख दिया। दो दो हाथ करने के दावे करने वालों ने हाथ को मिलाया और हरीफों को हलीफ बनाया। फिर यू टर्न की भी बारी आई और ड्रामाई अंदाज में जो ये सियासी तब्दीलियां हुई हैं, इसका जो स्क्रिप्ट है, सस्पेंस, एक्शन, रिएक्शन सब कुछ था। तो इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची मौसम दिनों नहीं घंटों में बदल रहा है। कहां फारूक सत्तार पहले पार्टी अरकान के PSP में जाने से खफा थे और कहां पूरी पार्टी को ही PSP से मिलाने ले गए। कोई MPA, MNA या सेनेटर हमारे किसी फैसले के खिलाफ कोई काम करता है, हम इस्तीफे दे देंगे। एक मंजूर, एक नाम और एक निशान को लेकर अपनी मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली भी वजा करें। लेकिन MQM पाकिस्तान और पाक सर जमीन पार्टी का सियासी रोमांस जिस तेजी से परवान चढ़ा था उससे ज्यादा तेजी से अंजाम को पहुंच गया। इस ड्रामाई स्क्रिप्ट में सस्पेंस ही नहीं, एक्शन और रिएक्शन भी खूब देखने को मिला। गले मिलकर करीब तो आए लेकिन गिले दूर ना हुए। हमने इस MQM को दफन करना है, औकात नहीं है आज से आज मिलाने की। देखो कह रहा है नादान, नाम मिटाने की। सस्पेंस से भरी इस सियासी हलचल में फारूक सत्तार की दस्तबरदारी के साथ वापस जिम्मेदारी पर आना भी मिनटों पर मुहित रहा। तो मैं सियासत से
दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। फारूक सत्तार ने गुज़िश्ता रोज दिल का हाल खुलकर बयान किया, लेकिन दबाव से मुतालिक बात किस दबाव में नहीं कही, ये सब उनके खत में लिखा है, जिसके खुलने से फिर नया महाज खुल सकता है। तो पिछले दो रोज में ये सब कुछ हुआ, फारूक सत्तार तो पार्टी और फॉर्म में वापस आए हैं, नाराजगी भी दूर हुई, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के कई रहनुमा अब भी पार्टी से दूर नाराज हैं। अली रजा आबदी पार्टी और कौमी असेंबली की रुकनियत छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। जुनैद अली शाह हैं जिन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, और इसके अलावा मुलाकात करने वालों में एमक्यूएम पाकिस्तान के दीगर रहनुमा भी शामिल हैं। सलमान मुजाहिद बलोच हैं, डॉक्टर फौजिया हैं, खुशबा शुजात भी इसमें शामिल हैं। तो हम खुशबा शुजात साहिबा से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो नाराज़ अराकीन हैं अब वो इस यू टर्न के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। इसके अलावा पीएसपी का कल एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है, उनकी जानिब से जो रिएक्शन है वो कल आएगा, तो इन तमाम तर बातों पर बात करेंगे। खुशबा शुजात साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया खुशबा शुजात साहिबा आपका। एमक्यूएम पीएसपी के इतिहाद के ऐलान के बाद ही बड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल हमने देखी, कई रहनुमा नाराज़ हुए, तहफ़ुज़ात का इजहार किया, पार्टी छोड़ने तक की खबरें सामने आईं। अब जबकि फारूक सत्तार साहब ने वजाहतों से एक तवील भरी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप समेत जो नाराज़ रहनुमा थे उनकी रिजर्वेशंस दूर हो गई हैं? मुस्तफ़ा कमाल भाई और फारूक सत्तार भाई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप यकीन कीजिए कि वो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कराची के शहरी एक सुकून का सांस लेंगे। उसकी वजह यह है कि आप जानती हैं कि अगर एक ही घर में दो भाई हों और वो आपस में लड़ रहे हों या एक दूसरे से नाराज़ हों, तो क्या बहनें या माँ खुश होकर सो जाती है? ऐसा नहीं होता। बहुत अरसे से कराची में एक गैर यकीनी सूरत हाल और कशमकश और एक दूसरे पर तोहमतें और इल्ज़ामात की बारिश थी। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि दो भाई आपस में मिलकर बैठ रहे हैं और कराची के शहरियों ने एक सुख का सांस लिया और ये भी समझा कि शायद जब ये दोनों हाथ मिला लेंगे और बैठ जाएंगे, दोनों जमातें एक दूसरे से एक प्लेटफॉर्म पर आकर कर लेंगी कि हम एक साथ मिलकर इस शहर की खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस शहर के अवाम की खातिर कोई बेहतर काम सर अंजाम देंगे, तो यकीनन शहरियों के लिए भी एक बहुत खूबसूरत, यानी ये आपके आप शहरियों के लिए तो कह रही हैं कि खुशाइन था, लेकिन आपके लिए कैसा था, क्योंकि आपकी जो मुलाकातें थी वो भी बड़ी खबरें बना रही थी। अब ये जो इत्तेहाद था सिर्फ इसी से नाराज़गियाँ थी या ये भी इत्तलात हैं कि जो नए लोग आ गए हैं पुराने लोगों को अहमियत नहीं दी जा रही, स्पेस नहीं मिल रही है, फारूक सत्तार साहब की सियासत में वापसी से कोई तब्दीली मुतवक्के है, पार्टी सतह पर कोई रब्ता किया गया नाराज़ अराकीन से, आपसे रब्ता किया गया? जी मैं समझती हूँ कोई इंतशार और तकरार की सूरत हाल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये जो आपने बात कही कि कोई नए आने वालों की वजह से पुराने आने वाले नाराज़ हैं, देखिए इस पार्टी का एक नज़्म व ज़ब्त है, ये क्योंकि पार्टी तहरीक कहलाती है, ये एक नज़रियाती पार्टी है, इसमें एक नज़्म व ज़ब्त है, उसूल हैं, ज़वाबित हैं, और लोगों को, तमाम कारकुनों को, तमाम साथियों को उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत होती है। ये एक अच्छी पार्टी का यही लाया अमल होता है और हमारी पार्टी में बहुत ज़्यादा है, और मैं वसूख से कह सकती हूँ कि पाकिस्तान की किसी पार्टी में वो नज़्म व ज़ब्त नहीं पाया जाता जो मुत्तहिदा कौमों में पाकिस्तान में पाया जाता है। लेकिन ये जो आपने बात कही वालों की वजह से पुराने, किसी को भी कहीं भी इनसिक्योरिटी नहीं होती है अगर वो अच्छा काम कर रहा होता है, और काम की बुनियाद पे ही आपको पता है कारकुन आगे बढ़ते हैं, बाज़ुकात एक ही जस्ट में कई मंजिलें जो हैं वो पार कर जाता है कोई कारकुन और कोई बेहतर काम। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में खुशबा शुजात साहिबा, एमक्यूएम का जाहिर मुश्किल वक्त है, पीपल्स पार्टी क्या इसको कैश कराना चाहती है, क्योंकि मुसलसल दावे ये सामने आ रहे हैं कि एमक्यूएम के जो अरकान हैं पार्टी में शमूलियत के लिए उनसे रबते हैं, कल डॉक्टर जुनैद अली शाह से जो मुलाकात हुई वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आप समेत कुछ रहनुमा हैं जिनकी मुलाकात हुई है सदर साबिक सदर जरदारी से, इस सिलसिले में क्या आप भी अपना जो सियासी करियर है उसको दाव पर लगाने जा रही हैं, चेंज करने जा रही हैं सियासी एड्रेस? जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, देखें सिंध में दो ही जमातें हैं जो मद्दे मुकाबिल रही हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक एमक्यूएम, और अगर सिंध के बड़े इलाकों के हवाले से देखा जाए कराची समेत, तो वहाँ फिर एमक्यूएम के मद्दे मुकाबिल कोई नज़र ही नहीं आता है। लेकिन ये जो आपने बात कही कि नाराज़ रहनुमा पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं और आपने डॉक्टर जुनैद का नाम भी लिया है, तो यहाँ में और आपने इसमें मुझसे भी सवाल पूछ लिया है कि मैं भी शायद इसी सोच के साथ कहीं खड़ी हूँ, तो मुझे इस जवाब
देने के लिए थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है, जो कि आप मुझे वक्त दे दीजिए। बिल्कुल करें। एक तो ये कि अगर कोई भी कारकुन किसी पार्टी से, किसी भी पार्टी से नाराज हो जाता है, ख्वाह वो पीटीआई का हो, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी का हो, ख्वाह वो एमक्यूएम का हो, जाहिर है वो अपने लिए नए रास्ते और नए प्लेटफॉर्म ढूंढता है, उसका हक है। अगर उसे अपना करियर जारी रखना है, उसको आगे जाना है, वो एम्बिशियस है, उसको कोई सीट चाहिए या उसको कहीं एक सियासी काम करने का की सोच है, उसका हक है। पार्टी से अगर गया है नाराज़ होकर दूसरी पार्टी में जाए, इस सियासी हक को तो कोई नहीं रोक सकता। सही। डॉक्टर जुनैद की आपने बात की, मैं नहीं समझ सकती कि डॉक्टर जुनैद ने कभी बाकायदा एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार की थी। उनके वालिद जरूर हमारे साथ थे। ठीक है, आपने बहुत काम किया। मेरा आखिरी सवाल आपसे खुशबू शुजात साहिबा, वो ये है कि फारूक सत्तार साहब के जो भी इल्ज़ाम थे, बहरहाल अब उसका जवाब देने वाले हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आप समझते हैं क्या मुतवक्के जवाब हो सकता है? इत्तेहाद, मुफाहमत, या फिर एक मरतबा फिर कोई क्लैश, कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र आएगा? देखिए, मैं मंजूर वसान साहब की तरह कोई पेशिंग गोइयाँ नहीं कर सकती, शेख रशीद साहब की तरह भी मैं मुस्तकबिल के हाल पढ़ के नहीं सुना सकती, और मैं किसी के दिल का हाल नहीं जानती कि मुस्तफ़ा कमाल भाई कल क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर भी कोई अंदाज़ा या आज क्या करने जा रहे हैं और वो क्या कह देंगे। ज़ाहिर है वो भी अपनी पार्टी के एक बड़े रहनुमा हैं और उन्होंने अपना एक मतमई नज़र बनाया है, वो अपनी पार्टी को अपने तरीके से लेकर चलना चाहते हैं, तो जो मुनासिब समझेंगे वो कहेंगे। बस सिर्फ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये एक जॉइंट फैमिली रही है एमक्यूएम, और इसी के दो भाई हैं, और वो भाई जो उनके साथ बैठे हैं और जो भाई फारूक सत्तार भाई, एक जॉइंट फैमिली के अफराद हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि किसी घराने में भाई भाई आपस से नाराज़ हो जाते हैं, फिर कहीं लेती हैं, कहीं बहनें मना लेती हैं, और मेरी दुआ यही होगी कि शहर के चलें, अच्छा है कि खुश असलूबी से ये मामला निमट जाए तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया खुशबू शुजात साहिबा आपका। कराची में एमक्यूएम और पीएसपी को लेकर जो एक तूफ़ान बरपा है, उसका एक और जो पहलू है वो कल नज़र आएगा कि जब पीएसपी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उन तमाम सवालात के जवाब देगी कि जो फारूक सत्तार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए थे। मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेती हूँ और इस ब्रेक के बाद कुछ बात हो जाए इस हफ़्ते की एक बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी की, तो हम बात करेंगे सऊदी अरब में जो बड़ी अहम तब्दीलियाँ आ रही हैं उसकी। कीप वॉचिंग न्यूज़ आर विद नाजिया। वेलकम बैक। और अब इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टोरी, पूरा ही हफ्ता सऊदी अरब में इख्तदार को लेकर बहुत ही अहम गुजरा है। सऊदी अरब में पिछले 6 दिनों में करप्शन के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की जाती रहीं, जिसके अंदर कई शहजादों को, वज़रा को और बहुत अहम अहदेदार थे जिनको गिरफ़्तार किया जा चुका है। सऊदी अरब हुकूमत इन तमाम तर कार्रवाइयों को करप्शन से जोड़ रही है, लेकिन आलमी सतह पर देखें तो इस तमाम तर एक्शन को इख्तदार को इस्तेहकाम बख्शने की एक कोशिश करार दिया जा रहा है, क्योंकि शाह सलमान के बेटे हैं मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी रिवायात से हटकर उनको वली अहद नामज़द किया गया। अपने दौरे इक्तदार के 3 साल के दौरान शाह सलमान क्या क्या तब्दीलियां ला चुके हैं, पहले आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। शाह सलमान के इक्तदार में आने के बाद से सऊदी अरब में बड़ी तब्दीलियां आना शुरू हुई। अपने इख्तदार के तीसरे महीने में शाह सलमान ने अरब इत्तेहाद तश्कील दिया और खुद उसके सरबराह बन गए, जिसके बाद यमन में हौसी बागियों के खिलाफ फजाई कार्रवाई का आगाज कर दिया, जो अब भी जारी है। इसी साल सऊदी अरब की खवातीन को पहली बार इलेक्शन में हक राय दही दिया गया। फिर 2016 का आगाज हुआ तो शिया आलिम नमर को सजाए मौत दे दी गई, जिससे ईरान सऊदी ताल्लुक कशीदा हो गए। ईरान में सऊदी सिफारतखाने पर हमला किया गया, जिस पर रियाद ने तेहरान से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। इसी साल विजन 2030 मुतारिफ कराया गया, जिसके तहत सऊदी मईशत का इन्हसार तेल पर कम करके आमदनी के जरियों को वसत देने का फैसला हुआ। सऊदी अरब तेल की पैदावार में कमी पर मुत्तफिक हो गया। 2017 में सऊदी अरब ने कतर पर ईरान से करीबी ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया और उससे भी सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। पहली बार खवातीन को स्टेडियम में जाने की इजाज़त दे दी गई, साथ ही खवातीन को ड्राइविंग की इजाज़त देने का ऐलान भी किया गया है।
तो करप्शन के खिलाफ शाह सलमान की हालिया मुहिम उनका एक बड़ा अहम इकदाम है इसके अलावा, जिसे सऊदी अरब के इकतदार को लेकर बहुत अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि अब तक करप्शन के नाम पर जितने भी शहजादों या वज़रा के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लग यही रहा है कि जैसे करप्शन नहीं बल्कि बगावत दबाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह एक के बाद एक ये वाक़यात हुए हैं, अगर इनकी कड़ियाँ मिलाकर आप देखें, पहले अचानक इंसदाद करप्शन का एक इदारा बनता है जिसकी सरबराही वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को सौंपी जाती है, फिर ये इदारा अपने क़याम के सिर्फ चंद घंटों के बाद ही सऊदी अरब के ताकतवर तरीन 11 शहजादे, 4 हाजिर वज़रा और दर्जनों साबिक वज़रा हैं जिनको गिरफ्तार कर लेता है। फिर यमन की सरहद के करीब साबिक वली अहद शहजादा नायफ बिन अब्दुल अज़ीज़ के बेटे की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत की खबर आती है, और इस वाक़े के 24 घंटे के अंदर अंदर शाह फहद के बेटे शहजादा अजीज़ बिन फहद की वफात हो जाती है, और उनकी मौत क्यों हुई उसकी जो वजह है उसको भी खुफिया रखा जाता है। तो ये तमाम तर वाक़यात हैं, हैरत अंगेज़ वाक़यात हैं, और ये जो डेवलपमेंट हो रही है किस कदर अहम है, आलमी मंजरनामे पर देखें तो उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और फिर रीजन में क्या इसका इम्पेक्ट होगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमें साबिक मुत्तहदा अरब अमारात जनाब मोहम्मद जमील साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया जमील अहमद ख़ान साहब आपका। हाउस ऑफ सऊद में जो कुछ हो रहा है, कहा तो ये गया कि करप्शन बहुत ज़्यादा था और फौरी तौर पर करप्शन को दबाने के लिए या करप्शन के लिए कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन क्या ये सही है कि इसका जो असल मकसद है वो बगावत को दबाना है? देखिए, ये करप्शन की अगर बात कर रही हैं तो इस पूरे कल्चर में जो प्रिंस जितने भी या रॉयल फैमिली के लोग हैं उनका वो बुनियादी हक समझा जाता है कि जो भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएं उनमें एक ख़ास मखसूस उनका हिस्सा होता है। मैं ख़ुद भी सऊदी अरब में रहा हूँ, 79-80 वगैरह में मैं वहीं था, और मैंने कुछ चीज़ें अपनी आँखों से होती हुई देखी हैं। तो इस चीज़ को बयान करने का मकसद ये है कि करप्शन एक सामने एक इसका बहाना है, लेकिन इसके पीछे बात वही है कि जिस तरीके से डिसेंशन शुरू हो गई थी हाउस ऑफ सऊद में, और ये शुरू होता है जैसे ही शाह सलमान आए, उन्होंने जिस तरह जो तब्दीलियाँ की, जिस तरह शाह अब्दुल्ला ने जब उनके फौत जब अपने इकतदार में रहे और उन्हें जहाँ जहाँ जो जो अहम अहम कलीदी उहदों पर लगाया था, जिसमें के इंटेलिजेंस चीफ मुकारन भी थे, जिसमें के फॉरेन मिनिस्टर भी थे, जिसमें के इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, उन सारों को एक एक करके हटाया गया, और क्राउन प्रिंस खास तौर पर जिनको के पहले लगाया गया नाइफ को और प्रिंस नाइफ को, और उसके बाद कुछ अर्से के बाद हटाया, इसलिए कि पहली दफ़ा वो चाहते थे कि बेटे को अपने लेके आए। लेकिन ग्रैंड सन जो कि बिन सऊद का पहली दफ़ा जो शाह मोहम्मद बिन सलमान जब आए हैं जी, तो इनकी इससे पहले तैयारी काफ़ी की गई है। वाशिंगटन में कुछ अरसा रहे, वाशिंगटन में एक ट्रायो बनता है, और मैं कुछ लोगों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, तो यूएई के वहाँ एक बहुत ही अहम शख्सियत सफ़ीर भी वहाँ के पिछले 12-15 साल से हैं, उनकी तूती बोलता है वहाँ कहाँ किसको मिलाना है क्या करना है। तो उन्होंने इनको काफ़ी मुतारफ़ कराया और कुछ चीज़ें उस लॉबीज़ में बताई कि अगर ये हुए तो इन्होंने ये रिफॉर्म्स करना है, यानी कि मोहम्मद, यही वजह है कि वाशिंगटन की भरपूर सपोर्ट उनको हासिल है। जो इसलाहात वो कर रहे हैं वो अगर आप वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको बड़ा मस्बत समझा जाता है। अब क्योंकि वो ये इसलाहात यहाँ पर सऊदी अरब में कर रहे थे, और वो तमाम शहजादे जिनको अरेस्ट किया गया है, जिन पर करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, कहा ही जा रहा है कि वो क्योंकि उन इसलाहात से खुश नहीं थे, उन इसलाहात के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद कर रहे थे, तो इसको दबा दिया गया। तो अब वही जो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि दो पहलू हैं, एक तो ये कि वो जो इसलाहात लाना चाहते हैं उस पर किसी तौर पर भी अग्री नहीं थे शहजादे, तो इसलिए किया गया, और दूसरा ये है कि इक्तदार की जंग है। तो दोनों बातें जो इम्पोर्टेंट हैं, उन दोनों के लिए वाशिंगटन से सपोर्ट मिल रही है? वाशिंगटन से तो फुल सपोर्ट मिल रही है, उससे हटकर कुशनर जो दामाद है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उनकी वजह से इज़राइल की भी बड़ी सपोर्ट पूरी की पूरी मिल रही है। तो ये जो एक ट्रायो सा बना हुआ है, वाशिंगटन, तल अवीव और अबू धाबी और ऑफ कोर्स रियाद, तो उसके अगर तनाजुर में देखा जाए चीज़ों को तो ज़्यादा समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो यकीनन आपके सवाल का जवाब यह है कि बिल्कुल 100% सपोर्ट मिल रही है। उसकी जो ग्राउंड्स बनाए गए हैं, जाहिर है करप्शन के ऐसे इंटरनेशनल कानून आ गए हैं आजकल कि जिसके तहत पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी उसको, ओडैक हो गया और बाकी बहुत सारे कन्वेंशन, मल्टीलेटरल कन्वेंशन आए हुए हैं जिसपे करप्शन को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो लिहाजा एक तो वो पॉपुलर, और दूसरा मॉडर्नाइजेशन आते के साथ इन्होंने जो विजन आपने अपने बयानिए में भी दिखलाया, जो विजन 2030 दिया उसमें मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्न इस्लाम का कॉन्सेप्ट दिया, वो
वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए हॉट केक है। अब उसका हुआ क्या, उसकी वजह से जो क्लरिक्स थे और ये जो क्लर्क्स जितने भी रिलीजियस लोग हैं वो किसी न किसी शहजादे ज़्यादातर उनके हल्का अहबाब में हैं, तो उनकी तरफ से थोड़ी रेजिस्टेंस आना शुरू हुई। इसीलिए तकरीबन 200 क्लरिक्स इस वक्त जो है वो अरेस्टेड हैं, इसीलिए 11 प्रिंस जो है वो अरेस्टेड हैं और तकरीबन 49 कलीदी ओहदों पर मिनिस्टर समेत वो अरेस्टेड हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये जो हलचल है और ये जितनी सिचुएशन इस वक्त हमें ऑनगोइंग नज़र आ रही है सऊदी अरब में, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? इससे पहले जो इख्तदार की मुंतकली थी वो बड़े स्मूथ तरीके से होती चली आई है। इसलिए कि सऊदी कल्चर में एक ट्राइबल कल्चर है वो बिल्कुल, और ट्राइबल कल्चर में जितने भी हाउस ऑफ सऊद में फैसले हुए उसमें यकीनन डाइसेंशंस भी हुई, लेकिन जब एक दफ़ा फैसला हो जाता था तो बाय फार एक ताकत के ज़ोर पर और एक ज़ोर पर वो उसको कर लेते थे। इस दफ़ा क्योंकि रिफॉर्म इस अंदाज में हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सबसे कम सिन और सबसे कम उम्र शख्सियत यानी मोहम्मद बिन सलमान, वो भी आइंदा आने वाले बादशाह और कई दहाइयों तक बादशाह रहने के जिनका इम्कानात हैं, तो इसलिए जो बाकी शहजादे हैं वो देखते हैं। लेकिन एक शहजादा जो है ख़ास तौर से प्रिंस नाइफ का बेटा जो कि वलीद बिलियनर वलीद बिन नाइफ है, असल तो देखा एक्सीडेंट था उसमें, उसके बाद जो जो प्लेन क्रैश हो गया वो उनके वालिद इलेक्शन जो इंटेलिजेंस चीफ रहे काफ़ी अरसा तक, उनका एक काफ़ी बहुत बड़ा हलका था क्लरिक्स में, और वो उस इनके वालिद, अभी मैं दोबारा आ जाता हूँ वलीद बिन तलाल के, उनके वालिद ने कहा कि शाह सुलेमान जो है इस काबिल ही नहीं है कि वो सऊदी अरब को चला सके, जब उन्होंने टेक ओवर किया वहाँ से शुरू हुआ। फिर इन्होंने वलीद बिन तलाल ने इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत की कंपेन के दौरान, तो बहुत सारे ताने बाने अगर आप मिलाएं। अच्छा, फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, अब अगर हम इन अंदरूनी खानदानी मामलों से निकल कर जरा बाहर की तरफ देखें, सऊदी अरब से बाहर आए, पूरे रीजन पर आप इसके क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं? एक तरफ यमन है, कतर के साथ ताल्लुकात हैं, फिर ईरान है, किस तरह से सऊदी अरब टैकल करेगा सिचुएशन? मुझे एक खासा इसमें तलातुम नज़र आ रहा है, मुझे ये तूफान का पेश खेमा नज़र आ रहा है इसमें, इसलिए कि जो पहले ही सेक्टेरियन डिवाइड हो चुका है इस पूरे खत्ते में, अब वो आखिरी उसका शाखसाना हरेरी साहब ने मिलने सऊदी आए रियाद में, और उन्होंने 3 दिन पहले उन्होंने दे दिया अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अब उसका असर ये होगा कि ये तमाम कुव्वतें मिलकर वहाँ लेबनान में कोशिश करेंगी कि हिजबुल्ला को थोड़ा सा उसको कॉर्नर करें। जब वो होगा तो अब ईरान ने इतनी मेहनत करके ISIS के तमाम मामलात में मावनत करके इराक से भी ख़त्म करवाया, उस वक्त तक US ने यानी अमेरिका ने बहुत सराहा उसको और कहा कि ठीक है ईरान को मदद करने दें, उसके बाद सीरिया में, और अब ये वो चाहती हैं कि ईरान का जो रोड कॉरिडोर बना है इसको किस तरह रोका जाए, इस इन्फ्लुएंस को किस तरह रोका जाए। अब वो इन्फ्लुएंस एक नेचुरल कोर्स में जो बन चुका है उसको अगर इस अंदाज में, और सऊदी अरब को उसको सामने ला के करना चाहते हैं, इस अंदाज में अगर रोका गया तो उसमें यकीनन ये तलातुम जो है ना एक छोटे तूफान का पेश खेमा। और हमें पाकिस्तान को इस मामले में, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 3 दिन पहले होके आए हैं ईरान से, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक बहुत अच्छा अक्स दिखाया गया है, और हमें के अंदर हम अपनी इस रीजन में हमें अपने आप को बचा के चलना है, क्योंकि इस तलातुम में हम खाम खा के हमारी इन्वॉल्वमेंट हम ना भी चाहें तो आना शुरू हो जाएगी, इस लिहाज से हमें अपने आप बहुत एहतियात के साथ चलना है। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब, साबिक सफीर मुत्तहिदा अरब इमारात हमारे हमराह थे, और सऊदी अरब के शाही ख़ानदान के अंदर जो ये बड़ी अहम तब्दीलियाँ हो रही हैं, पूरे खत्ते पर इसके असरात होंगे और पाकिस्तान भी इसके असर में ज़रूर आएगा, लेकिन हमें बहुत एहतियात के साथ काम लेना है। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे कल फिर कुछ अहम स्टोरीज़ के साथ मुलाकात होगी, देखते रहिए न्यूज़ आर विद नाजिया।